नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरव कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रिसेंट का जनरल नॉलेज ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि एमसीक्यू बेस्ड किताब है। इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो आपका ओशियन टाइड्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम ओशियन टाइड्स पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 ओशियनोग्राफी का, चैप्टर जो है टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे ओशियन टाइड्स। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, नीप टाइड्स अकर ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेसेस ऑफ द मून। तो वन करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, सेकंड एंड थर्ड क्वार्टर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सैलिनिटी ऑफ वाटर रेफर्स टू द साल्ट कंटेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर किलोग्राम द एवरेज साल्ट कंटेंट इन। तो 2 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 35%। क्वेश्चन आपके पास प्रिय टाइड्स इन द सी आर कॉज्ड बाय, तो 3 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द मून आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्प्रिंग टाइड्स अकर्स ऑन, तो स्प्रिंग टाइड्स अकर्स ऑन, तो आपका 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, फुल मून डे एज वेल एज ऑन न्यू मून डे। क्वेश्चन 5 है, द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1 एंड 2, एग्जामिन दिस 2 स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको बताना है, तो देखिए आपका स्टेटमेंट इधर दिया है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो दोनों आपका सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है, द ओशियन द इंडियन ओशियन सुनामी ऑफ 2004 अकर्ड अलोंग ए सबडक्शन जोन अलोंग वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा, ठीक है। और दूसरा है स्टेटमेंट 2, अलोंग द सुमात्रा कोस्ट द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कन्वर्जेस बिलो द इंडियन प्लेट। ये भी दोनों आपका सही रहेगा और एक्सप्लेनेशन भी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम, तो टाइड्स इन द सी हैव स्टोर्ड इन देम, तो 6 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, टाइड्स अकर इन द ओशियन एंड सी ड्यू टू विच ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग, तो 7 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून और आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द टाइड प्रोड्यूस एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ मून एंड सन पुलिंग द अर्थ इन द सेम डायरेक्शन, तो 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाई टाइड। क्वेश्चन नंबर 9 है, टाइडल रेंज डिनोट्स द, तो 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो टाइड। क्वेश्चन नंबर 10 है, टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द, तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सन एंड मून ऑन द अर्थ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका टॉपिक नंबर 4 कल पढ़ेंगे। तो आज के बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।